Keep the applause going. Give it up for Anshuman. Good evening. What's up? Thank you so much for turning up. Yeah, this is good fun. Thank you so much. Are you guys ready for a story? Yes. Yeah. तुम्हें पता है अगर किसी से ये पूछो कि वेयर हैव यू डन योर स्कूलिंग फ्रॉम, सो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं. एक जो अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, वो स्कूल का नाम बता दे. एक जो ऐसे स्कूल से पढ़े होते हैं, वो सिटी का नाम बताते हैं. सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम इंडिया. मुझे ना स्कूल कभी समझ ही नहीं आया. लाइक आई यूज टू बी अ वेरी कंफ्यूज किड इन स्कूल. मुझे बेसिक चीजें समझ नहीं आती थी स्कूल में. लाइक मेरा क्यों टेस्ट होता है? लाइक टीचर का होना चाहिए ना. मैंने पैसे दिए, मैं बैठा, तो टीचर का टेस्ट होना चाहिए ना. अभी तुम लोग पैसे देके आए, मैं चार जोक सुना के बोलू, ए सरप्राइज टेस्ट, तू सुना. ऐसे थोड़ा होता है यार. And I have huge issues with people who have studied from a good school. यहाँ पे कोई है? Anybody who studied from a very good school? ये देखिए बियर वाली. हाँ बोल बोल बोल, हाथ तो खड़ा करने का मन कर. ये देख उस टाइप का एटीट्यूड होता है कॉमेडी में. ये मेरी बजाएगा अभी, मैं तब भी हाथ खड़ा करेगी. Which school? जमनाबाई is a good school. Very good school. देख कितना हर्ट हुआ ना, देखा से वेरी कैसे बोल दिया. जमनाबाई हाँ, ये वही लोग होते हैं इस टाइप. ये ना स्कूलिंग के 20 साल के बाद भी ना हर सेंटेंस ऐसे शुरू करते हैं. When I was in जमनाबाई ना, है ना, she does that ना. I hate people like that. I'm telling you, school was useless यार. But then the only useful thing in school used to be the morning assembly. I'm telling you, only you think about it यार. जो जो morning assembly में सिखाया है, वो तुम्हें जिंदगी में अभी भी काम आता है. They used to be that intelligent kid जो आके रोज morning quotes पढ़ता था, है ना. वो कितना काम आता है अभी इंस्टाग्राम पे, राइट. देन यू हैड टू स्टैंड इन अ लाइन एज अ क्लास. वो अभी कितना काम आया था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे. देन यू हैड टू स्टैंड विद अ वन आर्म डिस्टेंस. कोविड में कितना काम आया था. एवरीथिंग वाज यूजफुल. फिर वो प्रिंसिपल आता था जो तुम्हें पता है कोई काम नहीं करता, बस रोज सुबह आके ज्ञान दे रहा होता था, मन की बात. My mother used to teach me in my school. I know. That collective, oh. I know. I was taught the most hated subject, math, by the woman who loves me the most. Tumhe pata kitna confusing hota hai? For those of you who can't understand, na, my mother was my math teacher. Tumhe gehrai abhi bhi samajh nahi aa rahi. She's very lost. Let me explain. My mother used to set my math paper. लोग फॉर्म पे लिखते हैं ना मदर टंग, हिंदी इंग्लिश मराठी ऐसे करके. आई यूज टू राइट मदर टंग मैथ. मेरे घर में बात ही ऐसी होती थी यार. अंशु, इफ आई बॉट टू आइसक्रीम्स, वन आई एट, द अदर आई गेव इट टू योर ब्रदर, व्हाट इज लेफ्ट विद यू? टीयर्स. एक बार ना मैं मैथ का टेस्ट दे रहा था, ठीक है, एंड मेरे को ना एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर सेट बाय माय मदर, हैशटैग ममता. तो मेरे को आंसर नहीं आता था. मैं क्लास में बैठा हुआ, लाइक शिट, मेरे को आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता, आंसर नहीं आता. एंड देन आई रियलाइज्ड पेपर तो घर पे ही चेक होता है और मॉम रोज दोपहर को सोने जाती है. तो आई वॉज लाइक थोड़ी सी स्पेस छोड़ देता हूँ, घर पे जाके आंसर लिख दूंगा. I know some of you are doing awe and all. I know you're judging me. Don't. मेरे को भी थोड़ा guilty feeling हुआ था. Like math teacher का बेटा होके तेरे को answer नहीं आता is one thing. तेरे को ये भी नहीं पता कि space कितनी छोड़नी है. तो anyway मैंने space छोड़ दी. हम घर आए, mom ने paper bundle रखा dining table पे. She went off to sleep. तो मैं गया dining table से अपना bundle में से paper निकाला. मैं अपने room में गया. मैं उस page पे गया. उस ब्लैंक स्पेस पे रेड पेन से मेरी मॉम ने लिखा था वेल ट्राइड. रोज स्कूल में मेरी मॉम दुश्मनों के साथ लंच करती थी. पर
तभी ना मुझे ये पीटीए पेरेंट टीचर मीटिंग्स ना कभी पसंद ही नहीं आई है यार. मैं अपने बेटे की पेरेंट टीचर मीटिंग में आज तक नहीं गया कभी. आई हेट देम. एक बार गया था फिफ्थ क्लास में. वो टीचर बड़ी हॉट थी यार. तो मुझे बता रही थी सूर्या डजंट टॉक मच इन स्कूल. आई वाज लाइक उसको छोड़ो तुम बोलती रहो मैडम. एक बार मैंने अपनी मॉम की क्लास बंक कर दी. ओके तो हुआ क्या, मैं ना ऐसे ही स्कूल में कहीं घूम रहा था एंड मेरी मॉम एंटर्ड द क्लास बिफोर मी. तो आई डोंट नो अब ये होता है कि नहीं होता है. बैक देन ना ऐसे इफ यू हैड टू एंटर द क्लास यू हैड टू डू दिस एंड टेक परमिशन. रिमेंबर पैसे मैंने दिए, टीचर को तो मिल रहे हैं, तो क्या वो मेरे घर आ रहे थे. बट यू हैड टू टेक परमिशन. तो मैं क्लास के बाहर खड़ा हूं. एक तो मुझे उससे प्रॉब्लम थी, ऐसे भी परमिशन नहीं लूंगा मैं. सेकंड आई वाज लाइक अगर लूंगा भी तो बोलूंगा क्या, मॉम है अंदर. इफ आई से मैम मे आई कम इन तो क्लास हंसेगी. इफ आई से मम्मी मे आई कम इन तो कुत्ते फिर हंसेंगे. तो मैंने अपनी मॉम की क्लास बंक कर दी. ठीक है, सो मॉम स्टार्टेड टीचिंग एंड देन शी रियलाइज्ड आई एम नॉट इन द क्लास. सो शी वाज लाइक वेयर इज अंशु. तो ना मेरा एक दोस्त होता था, अभी भी है, राजीव चोपड़ा. ओके चोपड़ा ना अभी एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट है. बट स्कूल में वो लड़का होता था जिसको रोज थप्पड़ पड़ते थे. ओके तो मॉम ने पूछा वेयर इज अंशु. तो चोपड़ा थॉट ही विल सेव मी. चोपड़ा वाज लाइक मैम वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन में गया है. चोपड़ा वाज इन फिर टप्पा पड़ा था. But these school friends are special, na? How many of you are in touch with your school friends? Pretty much everyone, na? How many of you are here with your school friends? Ah, there you go. Special, yeah. These bonds are special. But that, because, you know, school friends ke saath, na, tum dunia first time discover karte ho. Phir college friends ke saath, na, tum us dunia ke baare mein expert ban jate ho. Phir work friends ke saath, usi dunia ko gaali de rahe hote ho. That's why school friends are so special, yeah. And back, I'm talking about 80s, okay? Back then, the world was very different there. Like, hum log bahut real hote the. Like, friendship was very real back then. Hum jaise real life mein dikhte the, hum photos mein bhi waise hi dikhte the. Hai na? Like, tumhara generation toh bada confused rehta hoga abhi. Tu class mein baitha hoga, teri classmate hi andar ghusi hogi. You'll be like, abhi, Instagram pe toh bada different dikhti hai ye. So we were very real, yeah. There was no pretense, there was no social media, none of it, na. Agar hamara dost koi galti se aise koi international vacation ke liye chala jata tha, to hum sirf assume kar lete, hum judge nahi karte the. Hum sirf assume karte the ki uska paap smuggler hai. Hai na? Bada simple sa word hota tha. It used to be such a fun thing, yeah. Ek bana, like har batch mein hota na, every school batch has this one story that they keep talking about after ages and all. Every school batch has one. To ek bar hamare batch mein ye hua tha, hamara na ek physics ka class chal raha tha. ओके तो हमारा फिजिक्स टीचर का सीन था, जैसे क्लास बैठी है ना, फिजिक्स टीचर वाला ऐसे क्लास में आता था और ना ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करता था और पूरी क्लास में ना लिखता ही रहता था. वो पीछे भी नहीं देखता था, लाइक होल क्लास ही वुड जस्ट कीप राइटिंग ऑन द बोर्ड. उसको ना उसने कभी असेंबली में ना वो इंटेलिजेंट बच्चे से सुन लिया था, इन लाइफ डोंट लुक बैक. तो ऐसे लिखता रहता था. तो हमारी एक दिन फिजिक्स की क्लास चल रही थी, तो हम सब बैठे हुए थे, मैं अपने एक दोस्त था मेरा आलोक, उसके साथ बैठा हुआ था. ठीक है, तो हम लोग ऐसे सबरी पूरी क्लास को देख रहे थे, पूरी क्लास टीचर को देख रही थी और लोग हमें क्लास को देख रहे थे और हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में. वो देख अविनाश सारे दिन नोट्स बनाता रहता है. ऐसे लोगों का ना जिंदगी में कुछ होगा नहीं. अविनाश इज अ सीईओ ऑफ एन एमएनसी राइट नाउ. अलोक एज वी स्पीक इज जॉबलेस एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन. बट हम कॉमेंट मार रहे थे. ठीक है, फिर 10 मिनट हो गए क्लास को, फिर टीचर वाला लिखे जा रहा है एंड अलोक बोर हो गया. Right, class mein. He was getting bored. So he just looked at me and he was like, Anshu, teacher ko chalk maar de. You know, you have to understand, my mother was a teacher in the school. My father at that time was a principal in a college. I have deep respect for teachers. So I just looked at him and I was like, kitne mein? To na, hamare time pe, usse school canteen mein na, 50 paise ka amrood milta tha. ओके ये जमना तुझे समझ नहीं आएगा, गुआवा. ठीक है, 50 पैसे का गुआवा मिलता था. तो अलोक वाज लाइक मैं तुझे एक अमरूद खिलाऊंगा. आई वाज लाइक 50 पैसे में
दिस इज एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज. चौक मारना जरूरी है. सो वी वर सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द क्लास नियर द विंडोज ना, एंड टीचर वो लिख रहा था ब्लैक बोर्ड पे. सो आई पिक्ड अप द चौक एंड आई वाज लाइक प्रॉपर एम लगा रहा था मैं, एंड मेरा दिमाग कह रहा था मत कर, मॉम स्कूल में टीचर है. पर मेरा दिल कह रहा था कर, एक दिन मुंबई को स्टोरी सुनाऊंगा. तो मैंने प्रॉपर एम लगा के ना, आई थ्रू द चौक एंड आई मिस्ड. वो टीचर ऐसे लिख रहा था, चौक वहां से आया, ब्लैक बोर्ड पे लगा और नीचे गिर गया. एंड ही टर्न्ड अराउंड एंड ही वाज वेरी एंग्री. ही वाज लाइक चौक किसने मारा. एंड हमारी ना ऑल बॉयज क्लास थी, ठीक है. तो होता है ना, अगर बीच में कोई लड़की ना हो तो बॉयज में लॉयल्टी बहुत होती है. आई स्वेयर एक भी लड़की हमारी क्लास में होती ना कोई कुत्ता खड़ा होकर बोल देता अंशु ने मारा है. तो किसी ने कुछ नहीं बताया. टीचर गॉट वेरी एंग्री, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लास. देन ही स्टार्टेड कॉलिंग स्टूडेंट्स वन बाय वन, ओके, एंड ही वाज थ्रेटनिंग देम, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, मैं तुम्हें लैब टेस्ट में फेल कर दूंगा, मैं एग्जाम पेपर डिफिकल्ट कर दूंगा. लाइक 2 आवर्स ही स्पेंट टॉकिंग टू एवरीवन. किसी ने कुछ नहीं बताया. एंड में उसने चोपड़ा को बुलाया. चोपड़ा को बोल रहा है, आई स्पेंट 2 आवर्स विद द क्लास, यू आर द लास्ट पर्सन, यू हैव टू टेल. एंड चोपड़ा बोला, सर एक सेकेंड, अगर आपको फिजिक्स थोड़ी सी भी आती ना, तो चौक का सिर्फ एंगल देख के आधी क्लास तो शक के दायरे से बाहर थी सर. गुड पॉइंट ना. ही गॉट सस्पेंडेड दैट डे. Back then we also used to do night outs with friends and all. Tumhari itna nahi, tumhari night outs mein pata nahi kya hota hai, sex, drugs, murder, pata nahi kya hai. I don't know. Hamara night out used to be very simple, okay? Hamara night out was go to a friend's place and stay awake the whole night doing nothing. There was nothing to watch also. Can you imagine? My generation was just happy staying awake. And look at you guys struggling to be woke and all now. टू गेट द साइलेंस. इंटेलिजेंट वाला था, बाद में समझ आएगा तुम्हें. तो हमारा एक दिन ना प्लान बना कि हम लोग नाइट आउट करेंगे. हमारा एक दोस्त था अनुराग, उसके घर में नाइट आउट करेंगे. तो हमने सब ने अपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली, ठीक है. हमारा एक दोस्त था पुनीत बांगा, उसको परमिशन नहीं मिली. राइट, आई कैन सी यू गाइस आर कंफ्यूज्ड. परमिशन ना इज अ थिंग दैट यू टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स. कैसे कंफ्यूज मत हो, दे आर दैट लुक, व्हाट द फक इज परमिशन. बैक देन ना इट यूज्ड टू बी जेंडर न्यूट्रल, सबको लेनी पड़ती थी. तो हम सब ने ऐसे परमिशन ली, पुनीत बांगा को परमिशन मिली नहीं. तो हम लोग अनुराग के घर में पहुंचे. हम लोग रात को बैठे हुए 2 बजे, 4 लड़के एक रूम में टल्ली, बिकॉज हम चारों ने मिलके पूरी 1 बॉटल बियर पी थी. एंड हम ठुक देखता. एंड होता है ना, व्हेन यू आर हाई यू स्टार्ट मिसिंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल. तो हम पुनीत बांगा को बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है. तो हमने प्लान बनाया रात के 2 बजे कि हम अनुराग के डैड की कार चुरा के जाएंगे पुनीत बांगा के घर, वहां पे उससे मिलके वापस आ जाएंगे, ठीक है. तो अनुराग के घर से नीचे उतरे, ही यूज्ड टू स्टे इन अ 5th floor house. तो वहां से नीचे उतरे हम अनुराग के डैड की कार के आसपास खड़े, 4 टल्ली लोग. चोपड़ा इंटेलिजेंट आदमी हमें ज्ञान दे रहा है, अगर हमने कार यहां ऑन की तो अनुराग के डैड को सुनाई दे जाएगा 5 फ्लोर ऊपर. और हम इतने टुनते हम एग्री कर रहे हैं, गुड पॉइंट. तो हमने बिना ऑन किए कार को 500 मीटर्स दूर पहले धक्का मारा, फिर हमने कार ऑन की, फिर हम बांगा के घर पहुंचे, ठीक है. तो बांगा यूज्ड टू स्टे इन अ ग्राउंड फ्लोर हाउस. तो हम बांगा के घर में पहुंचे. हमारा प्लान बड़ा सिंपल था, अलोक एंड आई वुड गेट आउट ऑफ द कार. हमें बांगा की बेडरूम विंडो पता थी. हमने डिसाइड किया था कि हम बांगा की बेडरूम विंडो पे छोटे छोटे पत्थर मारेंगे, ठीक है. एट सम पॉइंट बांगा को सुनाई दे जाएगा, बांगा बाहर आएगा, मिलेंगे और वापस चले जाएंगे, ठीक है. सिंपल प्लान. तो हम रात के 2:30 बजे हम पुनीत बांगा की विंडो पे ना छोटे छोटे पत्थर मार रहे हैं, और कुछ हो नहीं रहा था. तो काफी टाइम हो गया था पत्थर मारते हुए. एक पॉइंट पर अलोक ने बोला भी, ए अंशु बड़ा वाला मारे क्या. तो बहुत टाइम हो गया था, कुछ हो नहीं रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा था. ओके, चोपड़ा ना कार में इरिटेट हो रहा था. नाउ यू हैव टू इमेजिन दिस नाउ, रात के 2:30, ओके, फुल अंधेरा, सब घर की लाइटें बंद,
कुत्ता भी नहीं भौंक रहा, डेड साइलेंस, आलोक और मैं छोटे छोटे पत्थर मार रहे। सडनली चोपड़ा कार से निकलता है एंड ही इज लाइक बांगा बाहर निकाल। पता है ये भी नहीं कि पुनीत बाहर निकल, बांगा बाहर निकल। तुम्हें पता है बांगा के घर में कितने बांगा हैं? तो जैसे ही वो चिल्लाया ना, आलोक और मैं वहां से भाग लिए। अनुराग कार से निकला और कार के पीछे आके खड़ा हो गया। पता है जब बांगा के डैड बाहर आए थे ना, दिस इज व्हाट ही सॉ, दो लड़के रात के अंधेरे में फुल स्पीड से भाग रहे हैं। एक लड़का कार के पीछे खड़ा है और कार को धक्का मार रहा है और कार में कोई है भी नहीं और चोपड़ा उनके मेन गेट पर है। सो ही लुक्ड एट चोपड़ा, चोपड़ा लुक्ड एट हिम एंड ही वाज लाइक अंकल कैन आई यूज योर बाथरूम।